YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। लग रहा है ना, देखने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है। ये मूंग उड़द दाल का भजिया रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और बगैर स्किप किए हुए देखिएगा। अगर आपको हल्की फुल्की भूख हो चाय के साथ, इस एक बार इस नाश्ते को बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपने उड़द दाल से तो कई तरीके के नाश्ते बनाए होंगे, शायद इस तरीके मेरे और तरीके से नहीं बनाया हो। तो चलिए हम इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये उड़द दाल को हमने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था, खूब अच्छे तरीके से भीग गई है और अब इसको हमें पीसना है। तो पीसने के लिए हम लेंगे मिक्सर जार और मिक्सर जार में उड़द दाल को हम ऐड कर देंगे और इसको पीसेंगे। तो इसको बीच बीच में चला चला करके थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा, मतलब थोड़ा देर चलाइए फिर थोड़ी देर बंद कर दीजिए। तो ऐसे इस तरीके से पीसेंगे तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से पीस जाएगी। और ये मतलब इसमें पानी बहुत ज़्यादा मत ऐड करिएगा, पहले थोड़ी देर पीसिएगा, अगर ना पीसे बराबर तब फिर थोड़ा सा पानी ऐड करिएगा। बहुत कम पानी में ही इसको पीसना है। तो इसको पीसने के लिए सबसे पहले इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, और गरम मसाला ऐड कर देने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो अभी ऐड करिए, वरना आप पीसने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम पीस लेते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दाल को पीस लिया है और ये अच्छे से पीस गई है। हमें एकदम बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है दाल को। तो इस तरीके से हमने पीस लिया है और इधर हमने बाउल ले ली है और बाउल में हम निकाल लेंगे इस दाल के बैटर को जो हमने पीस करके रेडी किया है, और इसको अच्छे से इसमें ऐड कर लेंगे। और देखिए, हमने इसको निकाल लिया है बाउल में और अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो इसमें हमें क्या क्या मिक्स करना है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, एक हमने बड़ी साइज़ की आलू को अच्छे से मैश कर लिया है इस चम्मच से। और इसमें इससे मैश करने से क्या है ना कि इसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैश हो जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहती हैं। और अब इस आलू को भी इसी में हम ऐड कर देंगे, आलू को अच्छे से इसमें जितना आ जाए उतना हमें ऐड कर देना है। देखिए, अपने हिसाब से ऐड करिएगा, कम ज़्यादा अपने हिसाब से रखिएगा। तो और इधर देखिए, हमने प्याज लिया है, प्याज को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा हाथों से मैश करके इनके लच्छों को हम अलग अलग कर देंगे, जिससे कि प्याज अलग अलग लच्छे हो जाएँ। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए, हमने प्याज को लच्छा इसका अलग कर दिया है और अब इसके बाद प्याज को हम इसमें ऐड कर देंगे। और प्याज को ऐड कर देने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मसाले कुछ। तो चलिए, मसाले हम ऐड कर लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच जितना ऐड करिएगा। और अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। जितना नमक आपके यहाँ खाया जाता हो, आप कितना नाश्ता बना रहे हैं उस हिसाब से आप नमक ऐड कर लीजिएगा। और अब इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड कर लेते हैं नमक ऐड कर देने के बाद। तो इसमें हम हल्दी पाउडर नहीं ऐड करेंगे हम यहाँ इस नाश्ते में, और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, और गरम मसाला तो हमने पीसते टाइम डाला था। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला या तो फिर पानी या मैगी मसाला या तो फिर सांभर मसाला थोड़ा सा डाल सकते हैं, या तो फिर पाव भाजी मसाला, जो भी मसाला आपको खाने में अच्छा लगे वो मसाला आप इसमें यूज कर सकते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए, हमने हरा धनिया को काट करके रख लिया था और हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। और सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इनको हमें हाथों से ही मिक्स करना है। तो चम्मच हम निकाल देंगे बाहर और अब इनको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से हाथों से हमें मिक्स करना है इनको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका बैटर अच्छे से सेट रेडी कर लिया है, मिला दिया है अच्छे से, और अब इनको चलते हैं हम बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इस नाश्ते को। तो इसको हम भजिया पकौड़ी की शेप में जैसा बनाएंगे, देखिए इसी तरीके से भजिया जैसा आप बना लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये नाश्ता। तो देखिए, जितना एक बार में आ जाए उतना हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में। और जब आपको हल्की फुल्की भूख हो या अचानक कोई आ जाए तो इस तरीके से बना करके खाइए, या तो फिर जब आपको चटपटा खाने का मन हो तब भी आप इस तरीके से इस नाश्ते को बना करके खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाता है और बहुत ही मतलब कि कम चीज़ों में भी बन जाता है। अगर आपके पास उबला आलू पड़ा है तो आप यूज कर लीजिए, नहीं तो आप इसकी जगह पे कच्चा आलू भी यूज कर सकते हैं।
या तो फिर बगैर आलू को भी, आलू के भी बना सकते हैं, मगर इस तरीके से बनाइए एक बार ना, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो देखिए इसी तरीके से हमने ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम हाई रखेंगे और एक से डेढ़ मिनट पकने देंगे एक साइड से। उसके बाद हम इसको अलट पलट करके देखिए इसी तरीके से पका लेंगे। जब एक साइड से अच्छे से पक जाए थोड़ा ना, तब फिर पलटिएगा, जिससे कि मतलब ये टूटे फूटे ना अच्छे से हो जाए, पकें अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स बन करके रेडी हो गया। इनको हम छान लेते हैं और इसके बाद हम और भी बचा हुआ जो हमारा नाश्ता है उसको भी हम पका लेंगे इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स बन करके रेडी हो गई है ना उड़द दाल का ये टेस्टी नाश्ता, बहुत ही झटपट बन करके रेडी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी इस तरीके से इस एक बार बना करके ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको हमारा बताया हुआ तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपसे आगे एक और नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.